मैं ट्यूशन पढ़ती थी उनके घर, उनके उसकी पढ़ाती थी। मेरी दादू अपने मेरे भाइयों को वो छोड़ने जाते थे स्कूल, मैं डर के मारे बाहर बैठ जाती थी। अच्छा। वो मुझे चीज के मारे ले जाता था, हर बार गले के ऊपर छुरी रखता था और मुझे कहता था कि बोरे के अंदर डाल के फेंकूंगा, इसीलिए नहीं बताया, बैठ के नीचे भी छुपाया। 3 महीने करता था। 3 महीने ये सब क्या लगते हैं आपके कजन? कजन पाकिस्तान के लड़कों ने भाई भाई बहन के रिश्ते को बिल्कुल ही बदनाम कर रखा है। तो भाई दोस्तों आज की स्टोरी कुछ ऐसी है भाई। पाकिस्तान का एक लड़का था भाई, उसने अपनी ही बहन के साथ भाई 3 महीने तक लगातार गलत काम किया। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए उस लड़की से ही जानते हैं। के बच्ची डिसेबल है और हम लोगों के लिए लम्हा फिक्री है कि अब हमारे मुल्क में हमारे मुआशरे में इस तरह की बच्चियां भी महफूज नहीं है। ये सारा क्या मामला है, बच्ची के साथ कब कैसे और कितनी बार ये सब कुछ हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रबिया फातिमा। रबिया फातिमा, पढ़ती हो आप? स्कूल नहीं गई कभी? अच्छा, मुझे बताओ रबिया आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मूवमेंट आया था मेरे। वो कौन है आप जानती हो उनको? क्या लगते हैं आपके कजन? कजन है आपके। क्या नाम है उनका? कामरान। कामरान, तो आपके घर आते थे वो या आप उनके घर जाती थी? मैं ट्यूशन पढ़ती थी उनके घर। उनके घर में किससे पढ़ती थी ट्यूशन आप? उसकी बहन से। उसकी बहन से ट्यूशन पढ़ती थी, तो वो आपको किस बहाने से लेकर जाता था अपने साथ? मेरी दादू अपने मेरे भाइयों को वो छोड़ने जाते थे स्कूल, मैं डर के मारे बाहर बैठ जाती थी। अच्छा। वो मुझे चीज के मारे ले जाता था। हर बारी आप चीज के बहाने जाती थी? फिर एक दफा लेके गया। तो पहले आप किस तरह आपके साथ किया उन्होंने ये सब? मैं बाहर बैठी होती थी, वो ले जाते थे। ले जाते थे आपको? और मेरी मामा को कहते थे ना, मुझे कहते थे कि वीडियो कॉल करूँ अपनी तुम्हारी मामा से। अच्छा, इसलिए ले जाते थे। बात नहीं करवाते थे? नहीं, बात नहीं करवाते थे मामा से। आपने कभी किसी को क्यों नहीं बताया ये सब कुछ, कि ये सब कुछ हो रहा है? गले के ऊपर छुरी रखता था और मुझे कहता था कि बोरे के अंदर डाल के फेंकूंगा, इसीलिए नहीं बताया। आपने कभी दादू या अम्मी को बताने की कोशिश नहीं की अपनी? तबीयत नहीं खराब होती थी? होती थी। क्या होता था? वॉमिटिंग आती थी। वॉमिटिंग आती थी, क्यों? जी हाँ, मुँह में डालता था मैं और मैंने उसने टेप लपेटी। कहाँ पे? इधर इधर मुँह पे टेप लगा दी थी कि शोर ना करो आप? हाँ, और कमीज टाके इधर से छुपा भी है, बैठ के नीचे भी छुपाया। किससे छुपाया था आपको? उसके घर कोई नहीं था तो उसने मुझे, उसकी मम्मा आ गई थी तो उसने मुझे छुपा दिया। और जब मैं बाहर निकली वो गया चला था, मैं बाहर निकली इसने मेरे पैर मार दी। क्या कहता है, क्यों बाहर निकली हो? उसकी मामा ने देख लिया था आपको? नहीं, देखा नहीं था, वो कोई चीज लेने गया था और मैं बाहर निकल गई, इसने मेरे पैर मारी थी। कितनी देर ये सब कुछ करता रहा? कितनी देर तक, कितनी बार? आपको बताया है उतनी बार करता रहा, 3 महीने करता रहा। 3 महीने ये सब कुछ करता रहा है वो, किसी को पता नहीं चला? फिर मैं मामा के पास और गई, उसने मामा को मैंने बताया। क्या आप क्या कहना चाह रही हो? मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्कूल करवा दो। स्कूल में जाना चाहती हो आप? ट्यूशन जाती हो? ट्यूशन भी नहीं पढ़ती हो आप? फिर ट्यूशन क्यों जाती थी? उसकी प्यार पढ़ाती थी। कुछ पढ़ा है आपने अभी तक? हाँ जी। क्या पढ़ा है? अलिफ मदा बे पे। अलिफ मदा बे पे। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो? इस बच्ची को नहीं, ये बच्ची जो बता रही है ना, इसको जो इसके ख्वाब हैं उनको पूरा करने से पहले ही तोड़ दिया गया है। इस बच्ची की ज़िंदगी के साथ, ख्वाबों के साथ, इसके मंजूर होने, इस तरह के बच्चों के ऊपर रहम खाना चाहिए और इस तरह के बच्चे के साथ, उनकी ख्वाहिशात के साथ नहीं खेलना चाहिए था। और वो यकीनन कोई इंसान की सफ़ों में नहीं आता, एक जानवर भी इस तरह नहीं करता होगा जिस तरह इस मासूम बच्ची के साथ किया गया। इसकी दादू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे बताएं, ये बच्ची के साथ 3 माह तक बच्ची बता रही है ये सब कुछ होता रहा, वो इतना गंदा खेल खेलता रहा, आप लोगों में से किसी को नहीं पता लगा? हाँ जी, मुझे बताया नहीं इस बच्ची ने। मम्मा को बताया, ये कह रही थी कि वो उसने कहा कि जब बताओगे दादी को, दादी तभी हमारे पास आ जाएगी लड़ने के लिए, मैं आपको बोरी में डाल दूंगा, जहाँ पेट्रोल डालकर आपको साड़ दूंगा मैं, या अपनी गाड़ी में, गाड़ी जा रहा था वो, मैं कहीं दूर ले जाऊंगा आपको। इसलिए बच्ची ने मुझे डर के बताया, जब मम्मा के पास गई, मम्मा को बताया सब कुछ।
जी बच्ची की हरकतों से या बच्ची की तबीयत से आपको कभी महसूस नहीं हुआ बच्ची के साथ क्या हो रहा है? ये उल्टियाँ बहुत खा रही थी तो मैं यही कहना कि रबिया की गल रोटी नहीं खानी अंदर जाके रोंद रहना दसना ना मैनू उन्हें ऐसा डरावा पाया सब बगैरत ने बच्ची के उपर कि दस ही सादी से मैनू कि जब आता सगा आता से ना असं कह सी बच्चा लैके पालिया वा तरस खाने से उपर कभी मैं उन्होंने साल लैन तो रोटी तो उन्होंने नकान से करती होंगी कि अपना ही है ना जब आना मैं अपने बच्चे बिल्कुल तीन वाक्य ने मोहल्ले भी किए हैं। हाँ जी किधर की हैं पहले दो मोहल्ले ना एक बेटी सी तो वो घर चला गया रात के टाइम तो फिर मोहल्ले वाले ने ना इन एक साल छे महीने बाद कटी रखा फिर मेरे बेटे ने अंदर वाड़ी की माँ बहुत रोंद सी यदि मेरे बेटे ने कहा चलो कोई नहीं माँ का बेटा तुम ईद आ गई ईद आती अंदर आने मोहल्ले मतलब पकड़वाया नहीं पुलिस को तब इन्होंने नहीं पुलिस को गए से लैके तो छिड़वाता से मोहल्ले वाले ने भी चलो दूसरी बार इसने किसके साथ तो दूसरी बार भी बस इस तरह ही मोहल्ले से फिर वो तीसरी बार साढ़े बच्ची ना और इसके साथ तो माँ जी तीन माँ मुसलसल करता रहा है वो ये तो बच्ची की तबीयत बच्ची के कपड़ों से कभी नहीं आपको अंदाजा हुआ बच्ची कह रही उसके कपड़े खराब हो जाते कपड़े खराब हो गए से मैनू उन्हें यह नहीं पता सगा कि बच्ची ना भी कुछ काम कर सकता वा मजदूर बच्ची आ उत्थे अपने घर ही साफ करके उन्हें भेज दिता कपड़े भी साफ कर दी हाँ जी ते वो तो कपड़े भी नहीं खुद पाने आते पहनने नहीं कपड़े आते मैं पहनती हाँ वो आप पहनता सी कहते इसको कपड़े आप पहनाती हैं इसको नहीं पहनने इन्हें नहीं पहनने आते कपड़े असं खुद पहनते कपड़े तो दस मैं उन्हें नहाया तो मैं उन्होंने मारिया भी हूँ भी तू पजामा सिख अपना पाना कदों पावगी मुझे बताएं कि एक इंसान ऐसा है जिसके बारे में पहले रिकॉर्ड उसका गलत है आप लोगों ने ऐसे इंसान पर क्यों भरोसा रखा बेटे मेरी बात सुनो सू असी तो अपने बच्चे लकोने से को बेटे अपने भी इन्हें तो घर नहीं जानते जो गड्डी तो आता हूँ उन्होंने ये नहीं पता कि बच्चे मजदूर ना भी इन्हें काम कर जाने हैं ये सोच भी सकते सी इसकी तरफ से पुलिस तामन कर रही है इसके पुलिस ने तो अंदर कर दिता है वा वो अंदर ही सजा नहीं हुई उसको केस ही चल रहा है अभी हाँ जी जमानत जाती है माँ अपील लैके जाती है जमानत नहीं होती उसकी नहीं मिलनी चाहिए उन्होंने ये DPO ऑफिस सब ने इस बच्ची के बयान सुन के खुद रोए आ इस मासूम बच्ची ना यह कुछ हो गया जी जिसने बिच भी ये किया ना यानी कि दगाबाजी की थी कोई वो लथ गया तो तीशिया सीगा उन्हें गलत बयान दिते गलत उन्हें मिस लिखी ये मुअत्तल कर दिया हाँ जी उन्हें मुअत्तल कर दिता सी कि इतनी बच्ची जिस तरह की उसकी हालत है वो सिखाने पर तो नहीं बोल सकती ना हाँ जी उसके साथ हुआ वो सब बता रही है हम गरीब इन्ना अं पैसा कितों ला सकते हैं वो बच्ची साड़ी उन्हें इन्ना शौक है पढ़न का घर बैठी रोंद एक साल दूजे साढ़े बच्चे बैठे सारे घर यह केस तो एक ही कमाने वाला मेरा शादीशुदा आदमी ओहो नहीं बेटे भी इक्की साल का वा उसकी 11 साल उम्र है आधी आधी उम्र का फर्क हाँ जी 11 साल वो ड्राइवर आ कराची लैन का कराची लैन ड्राइवर आ 10 फीट गड्डी चला लेंदा वा कला हाँ जी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और इस बच्ची के बयान के बाद मुझे खुशी हुई कि पुलिस वाले जो हैं वो इस केस में तामुन कर रहे हैं और जिस पुलिस वाले ने इस केस में रिश्वत खाने की या इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की वो पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया गया पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इस तरह के केस में DPO ने इंटरेस्ट शो किया है इधर के जो भी आला अफसरान हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है पैसे खाए हैं किससे खाए हैं आप लोगों से लिया हाँ जी यदि बमार किसने लिया वो तफ्तीशी ने हाँ जी उमर फरूक पैसों के बगैर हाँ जी उतर गया वो उतर गया पैसे वापस हुए नहीं पैसे नहीं वापस हुए तो ये बेशक पैसे खाए गए हैं लेकिन ये जो ऊपर हमारे आला अफसरान हैं ये उनके लिए उनकी एक अच्छी चीज़ है कि एक एटलीस्ट किसी बच्ची के लिए तो आप लोग भी सामने आए हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई पाकिस्तान के लड़कों को बिल्कुल ही दया नहीं है वो जो है अपनी ही बहन के साथ भाई गलत काम कर देते हैं तो भाई इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही था भाई एक लड़के ने जो है अपनी बहन के साथ ही जो है गलत काम कर दिया तो भाई देखो वो बेचारी लड़की बेचारी अपाहिज थी जो चल नहीं सकती थी कपड़े भी नहीं पहन सकती थी और वो बेचारी जो है उसने कुछ सपने देखे थे भाई वो उन सपनों को पूरा करना चाहती थी बेचारी तो वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी जिससे वो ट्यूशन पढ़ती थी भाई उसी का भाई जो है उसने वो उस लड़की का भाई था भाई और
उस लड़के ने जो है उस लड़की का फायदा उठा लिया और उसके साथ भी जो है गलत काम कर दिया। तो देखो भाई कैसा जमाना आ गया भाई, कैसे हैं पाकिस्तानी आदमी भाई, वो जो है उस अपाइज लड़की पे भी उन उस लड़के को भी जो है तरस नहीं आया भाई। वहाँ की जो है ठीक ठाक लड़कियों के साथ तो वो गलत करते ही हैं, लेकिन उस लड़की को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये बात देखो कि उसने जो है अपने भाई बहन के रिश्ते की भी जो है कोई कदर नहीं रखी, उसने जो है अपने भाई बहन के रिश्ते की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी और वो लड़का जो है उसके साथ गलत कर दिया। 3 महीने तक उस लड़की के साथ जो है गलत काम किया। तो भाई कितने बेकार है भाई पाकिस्तान के लड़के। ये देखो कि 13 साल की बेचारी लड़की जो है वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी और उसके साथ जो है गलत कर दिया। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।